बहनों और भाइयों, हमारा प्रयास है कि मेदिनी राय जी ने जिस प्रकार प्रजाहितकारी शासन चलाया, वैसा ही शासन झारखंड और देश को दें। कहते हैं कि मेदिनी राय जी घरों में जा जाकर के पता करते थे कि किस परिवार को क्या समस्या है। आपने भी ऐसी सरकारें देखी हैं जिसमें आपको सरकारों के पीछे चक्कर लगाना पड़ता था, भागना पड़ता था। अब हमारी सरकार खुद चलकर आपके पास आती है, आपकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करती है। आज हम तकनीक की मदद से खुद देश के आम नागरिक, देश के लोगों तक सीधे पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि आज हर गरीब परिवार को अपना पक्का आवास मिल रहा है। जिनको अभी नहीं मिला है, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं, काम तेजी से चल रहा है और 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले, जीवन देने वाले बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए हिंदुस्तान के एक भी गरीब को अपना घर न हो, ऐसी स्थिति हम रहने नहीं देंगे। और अगर सरकारें बदलती है तो क्या हाल होता है, मैं बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले और लोगों की सरकार थी। भारत सरकार गरीबों के लिए घर बनाने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार थी कि वो कागज पे लिस्ट बनाने की भी ये परवाह नहीं करती थी। जब तक पुरानी सरकार रही, भारत सरकार ने पैसे दिए, दबाव डाला, योजनाएं की, लेकिन घर बनाने का काम नहीं हुआ। जैसे ही योगी जी की सरकार आई और हमारे मंत्री महोदय काम में लग गए, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबों के घर बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम कर पाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज झारखंड में भी हम ये गरीबों के लिए काम इसलिए कर पा रहे हैं कि हां, आपने भाजपा की सरकार बनाई है। कोई और आएंगे तो उनको इन चीजों की परवाह ही नहीं है। अगर उनको परवाह होती तो आजादी के 70 साल ऐसे बर्बाद नहीं होते। भाइयों बहनों, हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अभी तक झारखंड के 2.25 लाख गरीब मरीजों को इसका लाभ मिल भी चुका है। और हां, ये झारखंड के लिए गौरव की बात है कि पूरे देश को आयुष्मान बनाने से जुड़ी इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत झारखंड से ही की गई है। झारखंड ने ही इस योजना को अपनाकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। दिल्ली और रांची में डबल इंजन की सरकार से झारखंड को एक्स्ट्रा फायदा भी हुआ है। यानी केंद्र और राज्य की योजनाओं का डबल लाभ मिल रहा है। इसके भी उदाहरण मैं आज, इतने उत्साही लोग हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है बताने के लिए।
उज्ज्वला योजना से गरीब के घर में मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिसका लाभ देश के 8 करोड़ परिवारों को मिला है। इसके साथ ही झारखंड के 33 लाख और पलामू के 50,000 से अधिक परिवार को दूसरा सिलेंडर राज्य की भाजपा सरकार ने फ्री दिया है। बताइए कि डबल इंजन का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, डबल लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह पीएम सम्मान निधि के तहत भी देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंच रही है। लेकिन झारखंड देश का ऐसा राज्य है जहां छोटे किसानों को, जिनके पास 5 एकड़ तक ही जमीन है, उनको 25,000 रुपये तक की मदद अतिरिक्त मिल रही है। बताइए डबल फायदा हुआ कि नहीं हुआ, डबल इंजन का लाभ मिला कि नहीं मिला, आपके घर तक फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डबल इंजन का यही लाभ होता है, क्योंकि विकास में निरंतरता होती है। अवरोध या रुकावट के राजनीतिक खेल खेले नहीं जाते हैं, वरना अगर दिल्ली में एक सरकार होती और रांची में दूसरी तो ऐसे लाभ मिलना मुश्किल था।